दिल्ली में ही नाबालिग लड़की की हत्या होने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। विश्व हिंदू परिषद टाउन हॉल प्रखंड द्वारा 9 वर्षीय बालिका के साथ दिल्ली में दुराचार कर जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट रोड से गुरु गोविंद सिंह चौक तक कैंडल मार्च निकालकर बालिका को श्रद्धांजलि दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। दिल्ली कैंट के गांव नगला में वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर जलाकर हत्या कर देने के मामले में और अभियुक्तों को तत्काल फांसी की सजा सुनाए जाने के संबंध में विश्व हिंदू परिषद टाउन हॉल प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट रोड से गुरु गोविंद चौक तक कैंडल मार्च निकालकर केंद्र में बैठी केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नाबालिग बालिका के दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, टाउन हॉल प्रखंड अध्यक्ष नवदीप कुमार सिंह, नव नियुक्त मंत्री अनिल कटेरिया, राजेश दिवाकर, राकेश कश्यप, सोनू कुमार, हनी, विनय ठाकुर आदि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जी भाई साहब, क्या कहे उनका? ये आज हमने विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ये दिल्ली की गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए आज एक अभियान छेड़ा है और हमने यहाँ एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है। हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं सब मिलके, और हम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और न्यायालय से गुहार लगाते हैं कि उस बेटी को और उसके परिवारजनों को पूर्ण न्याय मिले, और जिन लोगों ने ये अपराध किया है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं होता, वो ना तो किसी जाति के होते हैं ना ही किसी धर्म के होते हैं, वो अपनी बेटी और अपनी बहनों के भी नहीं होते हैं, इसलिए उन लोगों को सिर्फ फांसी मिलनी चाहिए। इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन होना चाहिए, उस लड़की को जितना हो सके उसके परिवारजनों को मुआवजा मिलना चाहिए और उसको पूर्ण न्याय मिलना चाहिए और उन सभी को फांसी मिलनी चाहिए। ये हमारा विश्व हिंदू परिषद का हमारा जो है पूरी तरीके से अभियान हमने इसमें छेड़ रखा है और हमें इसमें उस बच्ची को न्याय दिलाना है।